इस भागती दौड़ती जिंदगी में लोग अक्सर अपने खान पान को दरकिनार कर देते हैं और इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है। आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कैसे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। रक्त में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से ये धमनियों में जमने लगता है, जिसकी वजह से आगे चलकर धमनियां सख्त होकर सिकुड़ जाती हैं और दिल की ओर रक्त का बहाव धीमा या बंद हो जाता है। दिल के एक हिस्से में रक्त नहीं मिलने पर हार्ट अटैक पड़ता है। आइए जानते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने के लिए अनसैचुरेटेड फैट खाएं और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से बचें। वेजिटेबल ऑयल दिल के लिए अच्छा होता है, उसी में बना खाना खाएं। मछली, मूंगफली, बीजों और सब्जियों का सेवन करें। सैचुरेटेड फैट वाले पकवान कम खाएं और ट्रांस फैट से भी दूर रहें। ओट मील और फलों में उपलब्ध सोले बल फाइबर का सेवन करें, क्योंकि इन प्राकृतिक पौधों की संरचना कोलेस्ट्रॉल जैसी ही होती है। तो सही खान पान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कोलेस्ट्रॉल को रखे दूर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रहे दूर।